इसी तरह जो हमारा उग्र प्रदर्शन है वो अगले महीने की 10 तारीख से यहाँ से शुरू होगा। कहीं ना कहीं सियासी दलों में ये बात भी देखिए, हमने चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पे राजनीति की कोई बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी। और हमारा एक ही मुद्दा है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जो पूरे जम्मू के डोगरों की आवाज है, उसको दबाया जा रहा है। हम उस आवाज को मरते दम तक दोबारा नहीं देंगे, और जरूरत पड़ी तो जो ये सियासत जो आजकल की है, वो बोलते हैं जो सियासत मांगती है कुर्बानियां, तो ये युवा राजपूत सभा कुर्बानियां देने को तैयार है। जा तो हमारे ऊपर से गाड़ियां चढ़ा दो, जा तो हमसे आगे बात। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है या कोई और बात आती है, कोई और मुसीबत आती है, तो तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम राजनेताओं को महाराजा की याद आती है, कहते हैं ये महाराजा ने दिया है। लेकिन जब छुट्टी की बात आती है तो सांप सूंघ जाता है। देखिए, ना तो हमने इलेक्शनें लड़नी है, ना तो सियासत करनी है, हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जो लोगों से वादा किया है, उसकी जो लड़ाई है हमारी, जो पिछले 8 साल से चल रही है, लेकिन अब वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। जहाँ तो छुट्टी मिलेगी, जहाँ तो हम नहीं रहेंगे, जहाँ ये राजनेता नहीं रहेंगे जम्मू में। तो मैं आपको बता दूं कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन को लेकर 23 सितंबर, ये वो दिन है जब महाराजा श्री हरि सिंह जी का जन्म दिवस होता है, और उनके जन्म दिवस पर अवकाश को लेकर जो है वो छुट्टी की मांग की जा रही है युवा राजपूत सभा द्वारा। और तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू से, जहाँ पर युवा राजपूत सभा जो है वो इस समय सड़कों पर है, और ये देखे नारेबाजी जो है वो की जा रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। इस समय मैं आपको बता दूं कि ये तमाम पूरा का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये पूरा रोड जो है वो इस समय युवा राजपूत सभा द्वारा जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मांग जो है ये आज की नहीं, बहुत पुरानी मांग है कि जल्द से जल्द 23 सितंबर को महाराजा श्री हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर अवकाश दिया जाए, यानी कि छुट्टी घोषित की जाए। तमाम राजनीतिक नेता महाराजा हरि सिंह जी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो जिक्र सियासत के लिए होता है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे पीडीपी जो है, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जो हैं, वो ये कहती हैं कि 370-35 महाराजा की देन था, और महाराजा की देन को हमसे छीन लिया गया। लेकिन वही महबूबा मुफ्ती ये नहीं कहती कि जिन महाराजा की दुहाई वो महबूबा मुफ्ती देती हैं, उनके जन्मदिन की छुट्टी को लेकर जो है वो जम्मू के लोग किस प्रकार से आतुर हैं, और वो चाहते हैं कि महाराजा जी के जन्मदिन पर छुट्टी हो। लेकिन शायद प्रशासन जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, और युवा राजपूत सभा द्वारा ये स्पष्ट चुनौती दी गई है, स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर आप लोग छुट्टी नहीं देंगे तो ये धरना प्रदर्शन जो है वो ऐसे ही चलेगा, और इससे भी उग्र हो सकता है ये धरना प्रदर्शन। देखिए, हालांकि फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 23 सितंबर को अवकाश घोषित किया जाएगा, 23 सितंबर को अवकाश घोषित किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जम्मू के जितने भी लोग हैं, जम्मू के तमाम लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि महाराजा श्री हरि सिंह जी के जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया जाए, छुट्टी घोषित की जाए, लेकिन अभी तक जो है वो छुट्टी घोषित नहीं की गई है। और साथ ही साथ इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, 23 सितंबर को भी युवा राजपूत सभा द्वारा जब यहां पर महाराजा श्री हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, उस दिन भी उन्होंने
इस रोड को ब्लॉक किया था और उन्होंने कहा था कि अभी भी समय है, प्रशासन सुधर जाए, प्रशासन संभल जाए और हमारी बात को हल्के में ना लिया जाए। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आज 23 नवंबर है और आज मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण जो हैं वो आज जम्मू आने वाली हैं। तो अहम बात ये है, ये सवाल ज़रूर मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, ये सवाल ज़रूर इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और रोड ब्लॉक कर दिया गया है, लंबा जाम जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है पीछे। और फिलहाल देखिए तमाम लोगों की यही एक मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो अवकाश घोषित किया जाए, अवकाश घोषित किया जाए। लेकिन अगर फिलहाल मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए रोड तो ब्लॉक किया गया है, ये देखिए अभी भी मांग है उठाया गया और फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम जहाँ पे बैठे हैं पूरे डोगरों का मान सम्मान, हम पूरे डोगरों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। जो ये रूलिंग पार्टी अपने दम पे लोगों को भड़का रही है उसके मुंह से एक भी बार महाराजा हरि सिंह जी का नाम नहीं निकल रहा है। अंदर तरीके में मूर्तियां लगाते हैं, बाहर लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम बोलिए, हम आपके मीडिया के भाई लोगों से पूछना चाहते हैं कि महाराजा छुट्टी हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जहाँ ये कुर्बानी चाहते हैं, जैसे इन्होंने किसानों की 7-800 कुर्बानी ली है, वैसे ही अगर हमको कुर्बानी चाहिए इनको, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे 40-50 बंदे मार दो, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जो जिनका नाम जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जुड़ा हुआ है, उसकी हम अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी नहीं होगी, युवा राजपूत सभा सड़कों में उतरती रही है और उसकी हक की लड़ाई के लिए आगे भी उतरेगी। यही हमारी बात। आज नहीं, आज निर्मला सीतारमण भी जम्मू आ रही हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आप। हाँ जी सर, हमारे बड़े भाई हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए सरकारी आला अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं और सरकारी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे, गलत कर रहे हैं। देखिए आपको दिन भी बताया था कुछ कामों में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज को टाइम लगता है। आप दूसरी बात, एक दूसरी बात, आप कहते हैं कोई आपका बंदा भी थोड़ा फॉलो करें, कोई बच्चे हम आपकी कोशिश करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। उसके बाद आपने बात हो सर, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, हम आपकी बात क्योंकि हमारा यहाँ पे आने का मकसद है कि अपनी आवाज जो ये सोई बहरी सरकार है यहाँ तक पहुँचाना। और एडमिनिस्ट्रेशन, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पिछली बार आप आए थे
होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, हमने 5 मिनट उठ के इस बार आप आए, हम आज भी उठ जाएंगे, लेकिन हमारी भी बात सुनी जाए। हमने कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ना मकान मांग रहे हैं, ना सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ एक महाराजा हरि सिंह जी के मान और सम्मान की बात है, हमारी वही लड़ाई हम चाहते हैं। ये बात जो है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और महाराजा हरि सिंह जी 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 और देखिए सर, कुछ चीजों में हमने आपका मान रखा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं जा रहे, आपके साथ हैं। हमने 10 तारीख को यहाँ पे टेंट लगाना है, अगर उससे पहले हमारी एलजी साहब से मुलाकात नहीं हुई 10 दिसंबर को, हाँ 10 दिसंबर नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट सर, हाँ वही वही 10 दिसंबर को हमने वो किया हुआ है, 10 दिसंबर को हम यहाँ पे, हम पीसफुली बड़े शांतिपूर्ण लोग हैं, उससे लेकिन जो जो चीज गवर्नमेंट मांग रही है, अगर वही चीज से हमें छुट्टी मिल जाएगी तो आप 2-4 10 कुर्बानी हमारी लगानी है। मेरे को यही हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि देखिए सर, हम पीसफुली पिछले 8 साल से शांति सर शांति करने 8 साल से चला दें, मैं दसो कि शांति चाहिए, मेरी गल सुनो जी सर, उसके बाद आप अपनी डिमांड रखो, उसके बाद उनको जो ठीक है वो करेंगे, हाँ वही ना, लेकिन अपॉइंटमेंट आपकी हम करवा देंगे, मेरे सीनियर अफसरों ने कहा है कि मेरे बात भी बात होगी, हाँ पहले अभी बात भी हुई, पहले हुई है, और SSP साहब ने भी कहा है, और सी साहब ने और दूसरे साहब ने भी कि आपकी अपॉइंटमेंट हम वहाँ करवा देंगे। अब 2-4 दिन की बात है, जब उनको करनी है होगा, टाइम की बात है, ऐसी बात है, टाइम हफ्ता ऐसा नहीं है, लेकिन